प्रणाम करता हूँ आप सबको। मेरे खड़े होते ही ऐसे शांत हो गए जैसे मुझे श्रद्धांजलि देने के लिए बैठे हुए हैं। हंसिए, खिलखिलाइए, मुस्कराइए। जिसकी मस्ती जिंदा है उसी की हस्ती जिंदा है। बहुत अच्छा भैया। आप हंसते रहेंगे, खिलखिलाते रहेंगे, मुझे जल्दी मोक्ष प्राप्त हो जाएगा, वरना एक डेढ़ घंटे तक मैं आपके प्राण पीता रहूंगा। इसको कहते हैं चमचागिरी। मैंने अभी कोई काम भी शुरू नहीं किया, उन्होंने माला पहना दी। ईद के दिन बकरे को काटने से पहले माला पहनाई जाती है। एक बार जोरदार तालियां बजा दीजिए। अब बटकरा ये कटने के लिए तैयार हो गया है। बहुत बहुत प्रणाम करता हूँ गणेश भैया। बस आप हंसते रहेंगे, मुझे अच्छा लगेगा, और नहीं भी हंसेंगे तो मैं आपका क्या बिगाड़ लूंगा। छोटी छोटी बातें करता हूँ। आज जीवन में सब कुछ है नीरज भैया, आज जीवन में सब कुछ है। अगर गायब हुई है तो हमारे चेहरों की हंसी और खुशी, हमारे चेहरों की हंसी खुशी क्यों गायब हुई है, और जीवन में हंसना कितना आवश्यक है, इस संदर्भ की चार पंक्तियां कहता हूं। संबंधों के आंगन मितवा, अब दिल से दिल की दूरी है। बहुत अच्छे भाई, वाह वाह। संबंधों के आंगन मितवा, अब दिल से दिल की दूरी है, और इस पेट की खातिर पग पग लड़ना हम सबकी मजबूरी है। पेट की खातिर पग पग लड़ना हम सबकी मजबूरी है। रोना धोना छोड़ साथिया, मुस्कानों के गांव चले। जीना है तो सच कहता हूं, हंसना बहुत जरूरी है। वाह भाई वाह, वाह 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 वाह। लेकिन हंसने का सौभाग्य हर किसी को नहीं मिलता। कुछ सरफिरों का तो यहां फूटा नसीब है। चेहरे पर मुस्कान नहीं तो समझ लेना गरीब है। चेहरे पर मुस्कान नहीं तो समझ लेना गरीब है। हंसने हंसाने पर कैसी बंदिश है, हंसता तो वो है जो प्रभु के करीब है। बिना ईश्वर की कृपा के एक क्षण भी आपको हंसने का और खुशियों का नहीं मिल सकता। अभी कोरोना से निकल करके हम बाहर आए हैं, वो सारी बातें करूंगा आप लोगों के बीच में, जिसको ऐसा महसूस करेंगे आपके ये तो हम सोचते हैं लेकिन कह नहीं पाते, मैं वही कहने की कोशिश भर करूंगा। कोरोना से निकल करके आए, जब कोरोना भारत में आ रहा था तो पूरी दुनिया ये बात सोच रही थी बाबूजी, अगर ये हिंदुस्तान में कोरोना फैला तो सबसे अधिक नुकसान होगा तो हिंदुस्तान का ही होगा, क्योंकि हमारी सरकार किसी भी तरीके से तैयार नहीं थी। न पर्याप्त अस्पताल थे, न पर्याप्त डॉक्टर्स थे, दवाई पूरी दुनिया के पास थी नहीं। लेकिन जब कोरोना हिंदुस्तान से दुनिया से चला गया तब पूरी दुनिया इस बात को लेकर भी चमत्कृत है कि सबसे कम नुकसान अगर किसी देश का हुआ है जनसंख्या के अनुपात में तो हिंदुस्तान, तो उस देश का नाम है हिंदुस्तान। बहुत अच्छे भाई। हिंदुस्तान का सबसे कम नुकसान क्यों हुआ, एक टिप्पणी करता हूं, बात पहुंच जाए तो मुझे शुरू करना। हिंदुस्तान का सबसे कम नुकसान इसीलिए हुआ क्योंकि लॉकडाउन में भी हम केवल लॉक हुए थे, डाउन नहीं हुए थे। हम केवल लॉक हुए थे, डाउन नहीं हुए थे। अगर हम डाउन हो जाते तो हमारा नुकसान बहुत हो सकता था। अच्छा, लॉकडाउन में सरकार सारी व्यवस्थाएं कर रही थी, जिन व्यवस्थाओं को सरकार नहीं देख पा रही थी, नीरज भैया जैसे तमाम भामाशाह निकल करके बाहर आ गए, लोगों को घर बैठ करके ही भोजन आदि का प्रबंध करवा रहे थे। एक प्रॉब्लम थी सबसे बड़ी, सुबह उठ करके एक ही लुगाई का मुंह देखना पड़ता था। सुबह उठो वही भूतनी, दोपहर को भी वही भूतनी, कोई दूसरा विकल्प ही नहीं था। सोशल मीडिया के माध्यम से एक चीज और आप देख रहे होंगे पंकज, परिवार का हर मेंबर हलवाई बनने की कोशिश कर रहा था, जिसे देखो रसोई में घुसा हुआ है। सब अपने अपने पसंद का खाना बना रहे थे, काम कोई दूसरा था नहीं। अच्छा, जो हलवाई नहीं बन सकते थे वो बेचारे झाड़ू पोछा कर रहे थे। हंसने की बात नहीं है, मैं उन्हीं में से हूं, पोछे का असर यहां तक हो गया है। सर ये पोछे का असर है गुप्ता जी, जो जो क्या कहते हैं भाई साहब, पीछे आप पीछे बैठ गए हो, अब मैं क्या करूं, वो पीछे बैठे हुए हैं जो मेरे साडू भाई से हैं,
ये माला इसलिए पहना है कि नीरज सोमवंशी भी यही काम करते थे कोरोना का। हाँ सर, मैं बता रहा हूँ आपको, वो कोषाध्यक्ष जी हैं इसलिए मैं उनसे कुछ नहीं कह सकता, लेकिन बिल्कुल अगर गंजेपन के मामले में देखोगे तो मेरे साढ़ू भाई लगते हैं। साढ़ू भाई का मतलब होता है एक ही कंपनी के द्वारा ठगे गए दो ग्राहक। आदमी के जीवन में भाई साहब केवल दो ही महिलाएं सर पे हाथ फेरा सकती हैं, या तो माँ फेरा सकती है या पत्नी फेरा सकती है। माँ हाथ फेराती है तो बाल बढ़ते हैं, पत्नी फेराती है तो मामला ऐसा हो जाता है। उधर अपने कोषाध्यक्ष जी को देखकर ऐसा लगता है जैसे पूरे मोहल्ले ने फेरा दिया होगा। एक बार ताली बजाओ, थोड़ी जोरदार लगना चाहिए कि आप कवि सम्मेलन में बैठे हुए हैं। बहुत 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 आनंद के साथ सुनते रहिएगा, आनंद लेते रहिएगा। सर पहुंचे का सर यहां तक आ गया, वो टीटी साहब कहां चले गए? नीचे चले गए कि ज्यादा नीचे मत जाना सर, उतने मन जाना जितना आसाराम चला गया था। सर मेरी छोटी छोटी टिप्पणियां उन्हीं का आनंद आप तक पहुंचाने की कोशिश करता रहूंगा। हाँ सर, और एक एक जानकारी मैं और दूं, आईजी साहब बैठे हुए मंच पर, मैं सर प्रणाम करता हूं। हमारे देश में कोरोना से ज्यादा मौतें नहीं हुई नीरज भैया, कोरोना से ज्यादा लोग नहीं मरे हमारे देश में। हमारे देश में तो दहशत से लोग मर गए, किसी को दो चार छींके आ गई तो समझ लिया उसने कोरोना हो गया और बेचारा निपट गया। दहशत से ज्यादा लोग मर गए। ये टेलीविजन वाले कर रहे थे दहशत फैलाने का काम, कोरोना का वायरस प्लास्टिक पर 64 घंटे जिंदा रह सकता है, कोरोना का वायरस स्टील पर 84 घंटे तक जिंदा रह सकता है। अमिताभ बच्चन जी ने ज्ञान दिया कोरोना का वायरस जूतों के साथ भी आ सकता है। अरे मेरे बाप, हम घरों में कैद हैं, को हमारे जूते क्या सड़क पर टहलने जा रहे हैं जो कोरोना का वायरस लेकर के लौटेंगे? दहशत फैलाई जा रही थी। एम्स के डॉक्टर साहब ने बड़ा ज्ञान दिया कोरोना के संबंध में, इसमें छींके आती हैं, जुकाम सा होता है, खांसी आती है, हल्का हल्का बुखार रहता है, मुंह का स्वाद चला जाता है, सब्जियों में स्वाद आ नहीं रहा था, मसाले घर में थे नहीं। अब आप ये नहीं कह सकते थे कि सब्जियों में स्वाद नहीं है, कह नहीं सकते थे सर, मैं बता रहा हूं आपको, कह नहीं सकते थे। एक दिन बिल्कुल जिसमें सब्जी में स्वाद नहीं था, 2 कौड़ी की सब्जी बनी, मेरे मुंह से अचानक निकल गया सब्जी में स्वाद नहीं है। बस मेरा इतना ही कहना अपराध हो गया। घरवाली ने तुरंत मोबाइल निकाला, खींच खांच करके क्वारंटाइन सेंटर को फोन कर दिया कि मेरे पति का स्वाद चला गया है। 5 मिनट नहीं हुए अपने चरित्र को सड़क की छाती पर रगड़ती हुई बहन जी एम्बुलेंस मेरे दरवाजे पर, 5-6 कोरोना की किट पहने हुए यमदूत जैसे उसमें से निकले, 3-4 ने मेरे हाथ पकड़े, 2-3 ने पैर पकड़े और जबरदस्ती मुझे एम्बुलेंस में ठूस दिया, चल बेटे 14 दिन के लिए क्वारंटाइन। अपराध मेरा केवल इतना ही तो था कि मैंने ये कह दिया था कि सब्जी में स्वाद नहीं है। क्वारंटाइन सेंटर पर जाकर के भी भाई साहब मुसीबतें मेरा पीछा नहीं छोड़ रही थी। बड़े बड़े अधिकारी आते, बड़े बड़े डॉक्टर्स आते, अखबार वाले आते, एक ही बात पूछते, आपके संपर्क में कौन कौन आया था? और सर मैं जला भुना बैठा, इस बात की सजा काट रहा हूं कि मैंने ये कह दिया था कि सब्जी में स्वाद नहीं है। अखबार वाले तो मुंह में माइक चूज करके, भाई साहब बता दो आपके संपर्क में कौन कौन आया था? मैंने कि मेरे संपर्क में आई थी मेरी सासू माँ, मेरे संपर्क में आई थी मेरी साली, मेरे संपर्क में आए थे मेरे ससुर जी, मेरे संपर्क में आया था मेरा साला, कर सबको 14 दिन के लिए क्वारंटाइन। इसको कहते हैं बदला लेना। सर मैंने बदला ठीक ले लिया हो तो ताली बजाओ, आप तो मुंह लटका करके बैठे हो। सर ये कवि सम्मेलन, ये टेंशन देने के लिए तो आपके घर वाले बहुत हैं, यहाँ तो कवि सम्मेलन में आए हो तो हंसो, मुस्कुराओ, आनंद लो। मैं एक दो छंद सुनाता हूँ सर, समय की मर्यादा का मुझे भी ध्यान रहेगा। एक दो छंद सुनाता हूं आपको धोखाधड़ी अलंकार का। कुछ कवि लोग नीचे बैठ के सुन रहे हैं, वो सोच रहे हैं कि हिंदी साहित्य में धोखाधड़ी अलंकार नहीं होता। सर नहीं होता, ये अभी अभी पैदा हुआ है, जब बड़ा हो जाएगा तब हिंदी साहित्य में आ जाएगा। इसको पैदा करने वाले हैं प्रातः स्मरणीय सांध मंदनीय रात रात भर जागरण कराने वाले माननीय फेसबुक व्हाट्सएप आचार्य। फेसबुक व्हाट्सएप पर किस तरह के धोखे चल रहे हैं, मैं एक दो छंद सुनाता हूं आपको, आनंद आएगा, बहुत आनंद की अनुभूतियां हो तो आप ताली बजा करके इस छंद को सुन सकते हैं। सुनिएगा किस किस तरह के धोखे हैं। 60 साल का बुढ़ा है,
25 साल की लड़की की डीपी पे फोटो लगा करके रात भर चैटिंग कर रहा है, जिसको ये भी पता नहीं है कि हो सकता है कि उस लड़की ने वो फ्रेंड रिक्वेस्ट उसके बेटे को भी भेज दी हो। दोनों बाप बेटे रात भर उससे चैटिंग करते रहते हैं, स्थितियां गंभीर हो जाती हैं। भाई साहब ताली बजा करके सुनना, मुंह लटकार के मन सुनो। मैं बहुत ज्यादा चिंतन की बात नहीं बता रहा हूं, जो धोखे खा रहे हैं आप फेसबुक और व्हाट्सएप से एंड्रॉइड मोबाइल के माध्यम से, इस एंड्रॉइड मोबाइल ने हमारा बहुत नुकसान किया है, हमारी भाषा खराब कर दी है, और जिस देश की संस्कृति और संस्कार खराब करने हो उस देश की भाषा को खराब कर दो तो उस देश की संस्कृति और संस्कार अपने आप चौपट हो जाएंगे। छोटे छोटे बच्चों की भाषा क्या होगी इस एंड्रॉइड मोबाइल ने बना दी। पिछले दिनों मेरा छोटा बेटा मुझसे कहने लगा, पापा स्कूल में नई मैडम आई है, बहुत हॉट है, शी इज वेरी हॉट। अरे मैंने कहा चुप, टीचर माँ के समान होती है, चुप हो जा। तो पलट के मुझसे कहने लगा, आप चुप हो जाओ, हमेशा अपनी जुगाड़ में ही रहते हो। इस बात पर मुझे गुस्सा आ गया तो मैंने बाप होने का अधिकार प्रयोग किया। बाप होने का अधिकार आप जानते ही होंगे, बच्चों को पीटना है की जरूरत नहीं है। अगर बच्चों को पीटे नहीं तो हमको भ्रम होता है कि हम इनके बाप हैं भी कि नहीं। ये अधिकार केवल हिंदुस्तान में शेष रह गया बच्चों को पीटने वाला, दुनिया के किसी भी देश में आप बच्चों को नहीं पीट सकते। पिछले दिनों मैंने अखबार में एक समाचार पढ़ा कि जर्मन के एक माता पिता ने अपने बेटे को पीटने के चक्कर में 18 महीने की सजा काटी। तब जाकर मुझे विश्वास हुआ कि मेरे जो कुछ मित्र विदेश में रहते हैं हर साल हिंदुस्तान बच्चों को लेकर क्यों आते हैं कि चलो इनको वहां जाकर कूट लेंगे। फिर कुछ लोग एयरपोर्ट पर ही शुरू हो जाते हैं, अब आया ऊंट पहाड़ के नीचे थे धनाधन। तो मैंने भी अपने बेटे को चाटा दिया, पलट के मुझे फिर पूछने बैठ गया कि आपके पापा आपको ऐसे ही पीटते थे? हम इनकी ऐसे ही पीटते थे। अच्छा फिर तो उनके भी पीटते होंगे? हम इनकी पीटते ही होंगे। अच्छा उनके भी पीटते होंगे? अबे मैं इनकी पीटते ही होंगे। तू क्या जानना चाहता है? कि मैं तो ये जानना चाहता हूं ये गुंडागर्दी अपने खानदान में कब से चली आ रही है। तो सर हंसने के लिए हमें कविताओं की जरूरत नहीं होती है, चंद सुनाता हूं आपको, आनंद लेना। बस ध्यान में ये रखना कि बाप बेटे दोनों एक ही लड़की से चैटिंग कर रहे हैं। सर ये ध्यान रखना, एक चंद सुनाता हूं आपको, सुनिएगा, थोड़ी ताल के साथ सुनेंगे तो भाई साहब आनंद आ जाएगा, सुनिएगा। रूपवती गुणवती अति मधुवाला मन को भाई गई, रूपवती 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 गुणवती अति। जब तक सब नहीं बजाएंगे तब तक यही लाइन पढ़ता रहूंगा मैं। आप क्या सोच रहे हो मजाक कर रहा हूं चश्मे वाले भाई साहब? कवित्रियों की सीध में बैठे हुए 90 अंश का कोण बना करके, आज तुम्हारा मोतियाबिंद ठीक हो जाएगा। मैं देख रहा हूं 3-4 बार चश्मा उतार के लेंस साफ किए हैं अपने। आनंद लो, ताली बजाओ, बहुत अच्छा लगेगा, सुनिएगा। रूपवती रूपवती गुणवती अति मधुवाला मन को भाई गई, रूपवती रूपवती गुणवती अति मधुवाला मन को भाई गई, चंचल चितवंचा लाख चतुर ने नौके तीर चलाई गई, रूपवती रूपवती गुणवती अति मधुवाला मन को भाई गई, चंचल चितवंचा लाख चतुर ने नौके तीर चलाई गई। फिर प्यार का पैग लगा करके, फिर प्यार का पैग लगा करके, ठाके के लिए तैयार रहना। फिर प्यार का पैग लगा करके, फिर प्यार का पैग लगा करके, दिल में तूफान उठाई गई, हमसे वादा था शादी का चाची बन घर में आए गई, हमसे वादा था शादी का, हमसे वादा था शादी का, हमसे वादा था शादी का चाची बन घर में आए गई। भाई साहब बहुत मुसीबत में, पिछले दिनों मेरे बेटे ने मुझे एक सूचना दी कि पापा मैंने फेसबुक पर 5 फर्जी आईडी बना रखी हैं, फेसबुक पर 5 फर्जी आईडी बना रखी हैं। तो फिर मैंने उसको चाटा दिया और कहा कि बेवकूफ ये तू सूचना मुझे क्यों दे रहा है, अगर जवाब पर ठाका लगाने का मन करे तो ठाके को रोकना मत, है ना बेवकूफ, ये सूचना तू मुझे क्यों दे रहा है कि तूने फेसबुक पर 5 फर्जी आईडी बना रखी हैं। तो कहने लगा कि आपको इसलिए दे रहा हूं कि पिछले 6 महीने से जिससे तुम पिंकी नाम की लड़की से चैटिंग कर रहे हो वो मेरी ही फर्जी आईडी है। ये धोखे हैं, मैं इसलिए ध्यान रखना। अब एक छंद मैंने उस दिन लिखा, आदरणीय राजहंस जी, उस दिन लिखा जिस दिन मेरे शहर के एक बहुत बड़े सेठ जी के 70 लाख खाते में से गायब हुए। सुनना सर, खाते में से गायब रुपए कैसे होते हैं? आईजी साहब बैठे हुए सर, इस छंद को आप जरूर सुनना, सुनिए आनंद लेना। मोबाइल पर एक जनी जब मित्र भाव में आए गई, मोबाइल 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 पर एक जनी जब मित्र भाव में आई गई, दिन रात करी चैटिंग इतनी इन बॉक्स में आकर छाई गई, मोबाइल
मोबाइल पर एक जनी जब मित्र भाव में आई गई, दिन रात करी चैटिंग इतनी, इन बॉक्स में आकर छाई गई। मेरे पति मरे, मेरे पति मरे, मैं सिंगल हूँ। मेरे पति मरे, मेरे पति मरे, मेरे पति मरे, मैं सिंगल हूँ। झूठी सांची फिर ठाके के लिए तैयार। मेरे पति मरे, मेरे पति मरे, मैं सिंगल हूँ। झूठी सांची बतराई गई, जब तक हृदय की आंख खुली पूरे खाते को खाए गई। जब तक हृदय की आंख खुली, जब तक हृदय की आंख खुली पूरे खाते को खाई गई। अखियन अखियन बतराई गई, अखियन अखियन बतराई गई। सर आप ताली नहीं बजा रहे हो तो मुझे अच्छा नहीं लग रहा। अखियन 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 बतराई गई, फिर आंख की कोर दबाई गई। अखियन अखियन बतराई गई, फिर आंख की कोर दबाई गई। हम आंखन बीच फंसे ऐसे, हमें आंख को रोग लगाई गई। हम आंखन बीच फंसे ऐसे, हम आंखनु बीच फंसे ऐसे, हमें आंख को रोग लगाई गई। उन आंखनु ते उबरे कैसे, उन आंखनु ते उबरे कैसे, इन आंखनु बीच समाई गई। उन आंखनु ते उबरे कैसे, इन फिर ठाके के लिए तैयार रहना। उन आंखनु ते उबरे कैसे, इन आंखनु बीच समाई गई। अब आंखें ढूंढ रही बाकों जो जूतों से पिटवाई गई। अब आंखें ढूंढ रही बाकों जो जूतों से पिटवाई गई। अखियन अखियन बतराई गई। ये स्थितियां हैं साहब। 7 साल का बुड्ढा 25 साल की लड़की से डीपी पे फोटो बात कर रहा है और हम क्या समझ करके बात कर रहे हैं, बस ये ध्यान रखना। चैटिंग करते रहे रात दिन बनान कोई काम, मोबाइल को चला चला कर खर्च दिए सब दाम। चैटिंग करते रहे रात दिन बनान कोई काम, मोबाइल को चला चला कर खर्च दिए सब दाम। आशा समझ के जिससे हमने प्रेम की आशा पाली, भेद खुला तो निकला ससुरा बुढ़ऊ आसाराम। तो ये स्थितियां हैं धोखे की। अगर आपको अच्छी लग रही है तो तालियां बजा करके मुझे सूचित कीजिएगा। जो लोग जा रहे हैं मुझे उनसे कोई शिकायत नहीं है, वही लोग जा रहे हैं जिनको अपने घरों के ऊपर भरोसा नहीं है, या वो लोग जा रहे हैं जिनके पड़ोसी पहले चले गए हैं। मैं उन्हें श्राप देता हूं, जिस मकसद के लिए जा रहे हैं उसमें कामयाब नहीं होंगे। तो जब तक मैं आपके सामने हूं तब तक मन जाइएगा, मैं 5-7 मिनट में अपना काम खत्म करता हूं। सुनिएगा, समय भी हो गया है। अब दादाजी आप क्या कहां जा रहे हो? अरे दादाजी बैठो, तुम्हें कहां जाके करना है, वहां पे जो कुछ होना होगा हो ही चुका होगा, बैठो। तारतम्य तोड़ रहे हैं। मैं एक कविता आपको सुना देता हूं। सर मैं एक छंद सुना रहा हूं भविष्यवाणी का, सुनिएगा। सर मैं राजनीतिक बातें ज्यादा नहीं करता सर, और आजकल तो राजनीतिक बातें करना भी नहीं चाहिए, पता नहीं कब किसको अंदर जाना पड़े। हल्की टिप्पणी थी जिसपे आपको ताली बजा देनी चाहिए थी। भैया तू भी फोटो खींच ले मेरा, रामलीला पे रावण दहन के काम आएगा। आजकल फोटोग्राफरों से बहुत भयभीत रहता हूं, फोटो डिजिटल फोटोग्राफी का जमाना है। फोटोग्राफी में कई बार होता क्या, ऊपर का हिस्सा किसी का और नीचे का किसी का। उदाहरण के लिए ऊपर ऊपर लटूरी लठ और नीचे नीचे आलिया भट्ट, कपड़े उतारे वो और सत्यानाश हो जाए मेरा। हाँ तो बस बस आनंद लीजिएगा। मैं एक छोटी सी कविता सुना करके अपना एक मैं आपको एक भविष्यवाणी का छंद सुना रहा हूं आपको। किसी कवि को हल्के में मत नहीं लेना चाहिए। न कोई कभी छोटा होता है न कोई कभी बड़ा होता है, ये ध्यान रखना। कोई कभी कब ढंग की बात कह जाए नीरज भैया, ये खुद उसको पता नहीं होता। 600 साल पहले बाबा तुलसीदास ने रामचरितमानस में एक बात कही थी, आज आकर के सिद्ध हुई है। कलयुग केवल नाम आधारा। बाबा तुलसीदास 600 साल पहले ही जान गए थे कि आदमी की पहचान आधार कार्ड से होगी। कलयुग केवल नाम आधारा, आधार नहीं होगा तो कुछ भी नहीं होगा। है कि जरूरत नहीं है, ताली बजानी पड़ती है इसमें। अच्छा किसी बात को इसीलिए भी, कोई बात इसीलिए भी सत्य नहीं होती कि वो हमारे धर्म ग्रंथों में लिखी हुई है, कई बार वो भी गड़बड़ा जाती है। भगवान कृष्ण अर्जुन से गीता में कहते हैं, नहीं न छिद्यंत शस्त्राण, नहीं न दहते पावक, न किले दंत तापो, न सोचत मारुत है। अर्थात हे अर्जुन, ये आत्मा अजर अमर है, केवल शरीर मरता है, आत्मा हमेशा रहती है। लेकिन जिस दिन मोदी जी ने नोट बंद किए थे उस दिन शरीर जिंदा थे, आत्मा धीरे धीरे बैंकों की तरफ चली जा रही थी।
कभी वैज्ञानिक भी होता है बहन जी, मैं आपके मतलब की एक बात बता रहा हूं, वैज्ञानिक भी होता है, कभी शोध करते रहते हैं हम लोग। जैसे खाना खाते समय अगर पति अचानक अचार मांगने लगे, खाना खाते समय अगर पति अचानक अचार मांगने लगे तो समझ लो सब्जी में दम नहीं है। खाना खाते समय अगर पति अचार मांगने लगे, अगली पंक्ति पर तालियां चाहता हूं, खाना खाते समय अगर पति अचार मांगने लगे तो समझ लो सब्जी में दम नहीं है, और इसके बाद भी अपनी पत्नी से कुछ न कह पाए तो समझ लो पति में भी दम नहीं है। वाह भाई वाह 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 वाह, बहुत अच्छे बहुत अच्छे। अच्छा एक बात ये बताओ कि साल भर कवि सम्मेलन इनकी तरह करने वाले कवियों की पत्नियां अगर अचार मांगने लगे, यार ताली बजाए यार, बढ़िया बात बने। कवियों की पत्नियां अगर आप अचार मांगने लगे तो समझ लो ऐसे बूढ़ों में बहुत दम है। कौन कहता है कि बुजुर्गों में प्यार का सिलसिला नहीं होता? अरे आम तो जब तक मजा नहीं देता कि जब तक पिलपिला नहीं होता। बहुत अच्छे भाई। शर मुझे छेड़ो मती, हास्यरस के कवि को छेड़ना उसकी चमचागिरी कहलाती है। बढ़ गए जो भाव पौने नहीं होंगे, तुमने खोल ही नहीं पाया, एक तो पीछे बैठे हो। असल में मैं तो आदरणीय नीरज जी पशु मेलों में बुलाया जाता हूं, आज आपने इतने अच्छे लोगों के बीच में फंसा दिया है मुझे, जिन्हें हिले न ढुल्ले हैं। ज्यादा बड़ा आदमी नहीं होना चाहिए ऐसी, मैं एक बार और फंस गया था बड़े कवि सम्मेलन में, जिसमें ऐसे ही लोग बैठे थे गुलाबी गुलाबी जैकेट पहने हुए आपके जैसे, टोपी वोपी लगा करके, ना मैंने बहुत जोर लगाया लेकिन वो हंसे नहीं। अरे मैंने कि बाबू जी हंसो, ये हंसी की कविता थी, तो कहने लगे काय को हंसू, मैंने तो हंसने के लिए आदमी रखे हुए हैं। फिर मैंने की तो फिर सर ताली बजा दो, बोले क्यों बजाऊं, मैंने तो ताली बजाने के लिए आदमी रखे हुए हैं। फिर दूसरी साल में कवि सम्मेलन में गया, उस साल उनकी शादी हो गई थी, ताली बजा दो आप, अगर इतने बड़े आदमी नहीं हो तो बीच बीच में ताली वाली बजाते रहो। हाँ और बहन जी आप ताली नहीं बजा रही हो, मैं बता रहा हूं आपको ताली बजाने की, असल में आदरणीय संचालक जी ने आपको ट्रेनिंग नहीं दी। ताली बजाने का एक उपक्रम होता है, बहुत अच्छी ताली, आप लोगों की जितनी भी महिलाएं सबकी ताली बजने लगेगी, केवल बायां हाथ उठाओ, इसमें अपने पति की तस्वीर देखो और जब मन हो तब उसको कूट दो, अपने आप ताली बज जाएगी। और इधर से पुरुषों की भी ताली अपने आप बजेगी, लेकिन तुमको भी यही काम करना है, बायां हाथ उठाना है, लेकिन भूल करके भी घरवाली की तस्वीर नहीं देखनी है, क्योंकि घर जाकर के तुम्हें भगवान भी नहीं बचा सकता, तस्वीर तो आपको भी देखनी है। अगर सहमत हो वही लोग ताली बजाएं, तस्वीर तो आपको भी देखनी है, लेकिन उस आदमी की जिसने आपकी शादी करवाई, उसी की वजह से जीवन में झमेला है ये आपके में, ये सब पीड़ित आत्माएं बैठी हुई हैं मेरी तरह। हाँ सर, हाँ सरकार चाहती है बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, चाहती है ना सरकार। सर मैं जिस कविता को सुनाना चाहता था वो तो पेंडिंग में चली जाएगी, सुनो आप, थोड़ा टाइम लगेगा लेकिन मैं कोशिश कर रहा हूं कि आप और ठाके तक मजबूत हो जाएं। मैं एक आपको भविष्यवाणी का छंद सुनाता हूं, सर भविष्यवाणी का छंद सुनिएगा। हमारे मोदी जी अभी नामीबिया गए थे, पता है आपको? भैया तू अब क्यों चाय लेकर के आ गया? इनसे कुछ नहीं कह सकते, पता नहीं कब कौन प्रधानमंत्री बन जाए। सही बता रहा हूं, मोदी जी का नाम लोगे तो चाय नहीं आएगी, तो क्या आएगी? जो चाय तो आएगी जी, जी इकट्ठे दो आ गए। भैया तू जल्दी हटा यार, तू मेरी दुकान लग रही थी तब तक तूने उजाड़ने की कोशिश कर दिया, अपनी ला करके लगा दी, तू रख दे इसको बस। भैया अब जल्दी खत्म कर यार, तू ऊपर दे जा मंच पे, ओए लड़के, ए भैया प्लीज तू ऊपर दे जा, इन्हें मत पिला, अरे इनके इनका नुकसान हो जाएगा, तू ही खत्म कर यार, इनका नुकसान हो जाएगा, मैं बता रहा हूं तुझे, इनके कपड़े खराब हो जाएंगे, मैं हंसाने वाला हूं इनको। पर ये मानेगा ही नहीं मेरी। अरे वो नहीं मानेगा यार, पता नहीं वो मानता ही नहीं, उसी का नाम तो नरेंद्र मोदी होता है जो किसी की नहीं माने। चल कोई बात नहीं, महिलाओं को दे दे।
अब यार छोड़ देना यार, आ गया इसमें मंच पे दे जाती हूँ यार, क्यों मेरा प्राण पी रहा है? वो छंद सुनाओ यार, सुन नहीं रहा है क्या? या तो मैं पगला गया हूँ या तू बहरा हो गया है, दो में से एक काम तो है ही। अब ऊपर चढ़ के दे दे यार, क्यों? अब जब तक मैं 5-7 मिनट हूं बस केवल, चल एक दो मेरे ऊपर चढ़ा दे। अरे चल तू चले, वो नहीं मानेगा किसी भी तरीके से। सर सुनो सर, मैं सुना दूं कविता, समय ज्यादा नहीं हो जाए इसलिए मैं ध्यान रखना हूँ। हाँ उसका बहुत ध्यान रखना है। असल में कवि सम्मेलन की अभी सेटिंग ही नहीं बन पाई, ईमानदारी से बता रहा हूँ। हाँ सही बता रहा हूँ ना मैं, सेटिंग जानते हैं ना आप? सेटिंग कौन कौन जानता है? अरे आजकल तो कहीं भी चले जाओ ये शब्द जरूर सुनने में आता है। थाने में चले जाओ तो लोग कहते सुनते मिल जाएंगे, दरोगा जी से सेटिंग हो गई क्या? भाई साहब सुनो थोड़ा सा। देखो हम हास्य व्यंग के कवियों के पास केवल छोटी छोटी टिप्पणियां होती हैं जो मैं आपको सुनाना चाहता हूँ। हाँ कोई बात नहीं है, आप बस ऐसे ही आनंद लेते रहो, लेकिन बात मत करो मुझसे, मेरी तरफ देखते रहो बस, मुझसे सुंदर कोई नहीं है इस समय। हाँ जिसका माथा इतना चौड़ा हो गया हो, सुनिए सर। सेटिंग शब्द तो जानते ही होंगे आप, बहुत चर्चित शब्द है, कुंदन सिंह भाई साहब बहुत पॉपुलर हो गया है, कहीं भी जाओ ये शब्द जरूर सुनने में आ जाता है। थाने में चले जाओ तो लोग कहते सुनते मिल जाते हैं, दरोगा जी से सेटिंग हो गई क्या? तहसील में जाओ तो तहसीलदार से सेटिंग हो गई क्या? न्यायालय में चले जाओ तो लोग कहते सुनते मिल जाएंगे, वकील साहब ने जज साहब से सेटिंग करवा दी क्या? सर मैं गलत कह रहा हूँ क्या? आजकल तो स्कूल कॉलेजों में चले जाओ तो लड़के लड़कियाँ आपस में बातचीत करते मिल जाए, तेरी किसके साथ सेटिंग चल रही है? सेटिंग होती है फिर एंड्रॉयड मोबाइल पर चैटिंग होती है, एंड्रॉयड मोबाइल पर चैटिंग होती है, फिर अखबार वाले जो कुछ छाप देते हैं उससे हम सब शर्मसार होते हैं। मैं एक दिन ये सोच रहा था ये सेटिंग शब्द कहाँ से आया होगा, बस एक छोटा सा रूपक सुनाता हूँ केवल आपको जोड़ने के लिए, एक कविता की भूमिका में, सुनिएगा आनंद लेना। बस सेटिंग कहाँ से आई होगी ये ध्यान रखना, लड़का महानगर का है, मान लो दिल्ली का या इलाहाबाद का है, लड़की गाँव की है, ग्रामीण परिवेश की है, दोनों की शादी तय हो गई है, और शादी होती है लड़की गांव की है इसलिए बारात लेकर लड़के वालों को गांव में आना है। आप जानते हैं शादी का हवन होता है, धूप डाली जाती है, घी डाला जाता है, मंत्र पढ़ने के लिए दोनों तरफ से पंडित जी बुलाए जाते हैं। बस शादी का हवन शुरू हो गया है, दूल्हा दुल्हन बैठे हुए हैं, पंडित जी ने हवन शुरू कर दिया, धूप डाली गई, घी डाला गया, गाँव का शुद्ध देसी घी है, उसकी खुशबू से शहर से जो पंडित जी मंत्र पढ़ने के लिए आए हैं उनका दिमाग खराब, खुशबू से ही दिमाग खराब, के इतना खुशबू वाला घी हमने काफी दिन से खाया क्या हमने तो देखा तक नहीं, अगर इसमें से कुछ घी मिल जाए तो आनंद आ जाए। दिमाग में घी चल रहा, इधर फेरों के मंत्र शुरू हो गए, ओम गणपते गंताणम गजाननम यजामहे पुष्टे वरदानम, घी छोरो। अब लड़की वाले पंडित जी थोड़ा कान से ऊंचा सुने, छोरो का मतलब समझे चोरो, चुराओ। तो जो मंत्र लड़के वाला पढ़ता है, शायद आपने ध्यान दिया हो तो वही मंत्र कुंदन सिंह भाई साहब लड़की वाले पंडित जी भी पढ़ते हैं, तो इधर लड़की वाले पंडित जी भी शुरू हो गए, ओम गणपते गंताणम गजाननम यजामहे पोष्टे वरदानम, घी काये में चुराऊं, काये में चुराऊं, कैसे ये चुराऊं, जेब में तो चुराया नहीं जा सकता उसको, तो लगे हाथ, उन्होंने उपाय भी बता दिया, ओम बुर्वा स्वाता साबे तोरा मारे नियम, कुल्लड़ में चुरा ले। और 2-3 कुल्लड़ घी चुरा चुरा के वहीं चौकी की बगल में रख लिया, और वहीं बैठी बैठी 9 सब देख रही है घूंघट की ओट से। 9 तो जानते ही होंगे आप, वाइफ ऑफ नाऊ, अंग्रेजी में समझो तो उसे समझो नेचुरल प्रेस रिपोर्टर, शुद्ध हिंदी में समझो तो प्राकृतिक पत्रकार। जो काम पत्रकारों का होता है शहर में या क्षेत्र में शादी वाले घर में, वही 9 का होता है। अब अखबार वाले तो अपना अखबार छाप लेते हैं, उसने उस समय बहन जी हमारे ब्रज क्षेत्र में जो फेरों के समय गीत गाया जाता है उसने उसको रागात्मक अखबार समझ करके निकाला, और सेटिंग समझ में आ जाए तो मुझे उस कविता को पढ़ने का आदेश देना। उसने रागात्मक अखबार के रूप में फेरों के समय का ब्रज के क्षेत्र में जो गाया जाता है गीत गाया, मेरी पहली बमरिया रे के पंडित मिलके घी चोरें,
मेरी बेली मैं मरिया रे। और पंडितों का दिमाग खराब, हो मंत्र चाहे शांति रापा शांति शांति रेवा चंद्रमा शांति सूर्य शांत वनस्पति है शांति औषधि है शांति। हे नाइन तू भी शांत हो जा, आधा तेरा आधा मेरा ओम स्वाहा। तो एक बार जोरदार तालियां बजा दीजिए थोड़ी सी आप। हाँ तो मैं आपको वो सुना रहा था भविष्यवाणी का छंद। मेरी भविष्यवाणी ये है कि 2024 में माननीय मोदी जी देश के प्रधानमंत्री बनने वाले हैं, ये भविष्यवाणी है सर मेरी। हास्य व्यंग का कवि किस तरह से भविष्यवाणी कर सकता है, आनंद लेना आप। अभी मोदी जी नामीबिया गए थे, वहां से कुछ चीते लेकर के आए थे। मेरी कल्पना ये है कि जब वो चीते नामीबिया से हिंदुस्तान के लिए रवाना हुए होंगे, जैसे मैं आपके कवि सम्मेलन में जब आया था तो मेरी मम्मी ने मुझसे कहा था कि बेटा सावधान रहना, ढंग से यात्रा पे जाना, कहीं सावधानी हटी और दुर्घटना घटी। तो जब वो चीते नामीबिया से चले होंगे तो उनके मम्मी पापा ने भी उससे उन्हें कुछ हिदायतें दी होंगी। अगर वो हिदायत में छोटा सा व्यंग छुपा हो तो फिर उत्साह से मुझे शुरू करना, ये फिर लेके आ गया मेरे प्राण का दुश्मन, ये नहीं मानेगा आज तो मेरी ये जमानत जब्त करवा के मानेगा। क्यों बे तूने कोई कॉन्टेक्ट लिया क्या मुझे हूट करवाने का? अबे हट जा यार, ना तो सेटिंग तूने मेरी ऐसी सेटिंग की रेटी रेड कर दी। वो मानेगा ही नहीं, जब कोई पीना नहीं चाहता लेकिन जबरदस्ती मेरे आगे घूम रहा है। अबे हट यार, जल्दी से हट जा यार, तेरी समझ में नहीं आ रहा। जी वो ही है क्या, लड़की वालों की तरफ से है, तू दिखता है मुझे। अरे लटूरी तेरा काम हो गया है, छोड़ दे। चलो मैं, मेरा तो हो गया, कोई बात नहीं। सुनिए आनंद लो सर, मैं बहुत जल्द मैं निपट जाता जल्दी, आधे से ज्यादा समय तो मेरा ये खा गया। तो उस जब वो सीते वहां से चले होंगे तो उनके मम्मी पापा ने कहा होगा कि भाई देखो तुम हिंदुस्तान जा रहे हो, अब बल सी बात है कि पहले तो तुम भारत जोड़ो यात्रा में शामिल मत होना। भारत तो जा रहे हो लेकिन उसी समय चल रही थी ना भारत जोड़ो यात्रा, भारत जोड़ो यात्रा में शामिल मत हो जाना वरना जेल भी जाना पड़ सकता है। बात समझ गए, यहां पर ताली बजती है, ये बहुत मौलिक व्यंग था जिस पर आपको समझ आपको ताली बजानी चाहिए। भारत जोड़ो यात्रा में शामिल मत होना, कोई नेवला लाख विरोध करे लेकिन तू रामचरितमानस को पढ़ना पढ़ाना बंद मत करना, इस पर भी ताली आनी चाहिए थी। कोई लाख नेवला विरोध करे लेकिन तू रामचरितमानस का पढ़ना पढ़ाना बंद मत करना, दीपावली के दिन अयोध्या में राम जी के मंदिर पर दीपक जलाना भी मत भूलना। तो उन चीतों ने जो जवाब दिया है उसमें अगर समझ में आ जाए तो फिर शुरू करना मुझे, मैं उस क्षण सुनाना चाहता हूं जब चीतों को यह हिदायत दे दी कि भारत जोड़ो यात्रा में मत शामिल रहना, रामचरितमानस की चौपाइयां गुनगुनाते रहना, दीपावली पर अयोध्या में श्री राम जी के मंदिर पर दीपक भी जलाना। तो उन चीतों ने अपनी मम्मी पापा से कहा होगा तुम कोई चिंता मत करो, हम यहीं से भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण करके जा रहे हैं। बात समझ में आ गई सर। अच्छा मोदी जी जब चीतों को लेकर के हवाई जहाज में चढ़ गए और उन्होंने रिटर्न गिफ्ट की घोषणा नहीं की तो नामीबिया छोटे से देश का प्रधानमंत्री मोदी जी के सामने क्या कह सकता था? खीस निपोरते हुए उसने कहा, क्योंकि विदेश में यह कल्चर है कि रिटर्न गिफ्ट मत दो तो सामने वाला अपनी तोहीन ही समझता है। जब रिटर्न गिफ्ट की घोषणा नहीं हुई तो उसने खींच निपोरते हुए कहा कि हमने आपको अपने देश की तरफ से चीते बहुमूल्य चीते उपहार में दिए हैं, आप अपने देश की तरफ से हिंदुस्तान की तरफ से हमें रिटर्न गिफ्ट में क्या दिलवाएंगे? सर जवाब में मोदी जी के जवाब में व्यंग छुपा हुआ है, आप हिंदुस्तान की तरफ से हमें रिटर्न गिफ्ट में क्या दिलवाएंगे? मोदी जी मुस्कराए और फिर बोले कि हम तुम्हारे यहां केजरीवाल को भिजवाएंगे। समझ में आ गया? तो एक बार ताली बजाओ, मैं चंद सुनाता हूं 2024 में कैसे प्रधानमंत्री बनेंगे, ये सुनो सर आप। 2014 से मैं पीएम बना हुआ हूं, देशद्रोहियों की अब टांगे तोड़वाऊंगा।
2014 से मैं पीएम बना हुआ हूँ। देश द्रोहियों की अब टांगे तोड़वाऊंगा। धारा 370 की ऐसी तैसी मार दी है, धारा 370 की ऐसी तैसी मार दी है। पत्थरबाजों के अब सर मुड़वाऊंगा, पत्थरबाजों के ठाके के लिए तैयार रहना। 2014 से मैं पीएम बना हुआ हूँ। देश द्रोहियों की अब टांगे तोड़वाऊंगा। धारा 370 की ऐसी तैसी मार दी है, धारा 370 की ऐसी तैसी मार दी है। पत्थरबाजों के अब सर मुड़वाऊंगा। चना चीनी चावल और नमक भी खिला चुका हूं, और क्या मैं तुमसे अखरोट तोड़वाऊंगा? चना चीनी चावल और नमक भी खिला चुका हूं, और क्या मैं तुमसे फिर ठाके के लिए तैयार रहना। चना चीनी चावल और नमक भी खिला चुका हूं, और क्या मैं तुमसे अखरोट तोड़वाऊंगा? तोहफे में मिले हैं चीते लेकर के आ गया हूं, वोट नहीं दोगे तो मैं चीते छोड़वाऊंगा। तो सर इस तरह की भी बातें, देखो हम ज्यादा राजनीतिक बातें करते नहीं है। माननीय मोदी जी जब से देश के प्रधानमंत्री बने 2014 से, ईमानदारी से हमें पहली बार ऐसा महसूस होने लगा है कि देश में कोई आदमी प्रधानमंत्री है, वरना 10 साल तक हमने ऐसे आदमी को झोला जो बोलता ही नहीं था। सही कह रहा हूं ना सर मैं? और कितने बिल पास हुए हैं, नोटबंदी, GST, ये तमाम सर मोदी जी के आने से ही तो हुए हैं। नोटबंदी, उज्ज्वला योजना, स्वच्छता अभियान, पता नहीं कितने कितने जनहित के काम हैं, लेकिन इंप्लीमेंट उनका खराब है सर। कभी का काम होता है उस इंप्लीमेंटेशन जो उसकी व्यवहारिक स्थिति है उससे भी सरकार को अवगत कराए, ये कभी का उत्तरदायित्व तो होता है। दो चार पंक्तियां सुन लो, आनंद आ जाएगा आपको। धंधो नयो करण नहीं दे रहे, GST से इतनी मुश्किलें खड़ी हो गई हैं को कोई नया कारोबार शुरू करने में बहुत दिक्कतें आती हैं। धंधो नयो करण नहीं दे रहे। मेरी भाषा पर थोड़ा ब्रज का असर है, इसलिए कोई इत्तफाक मत लेना। अगर समझ में आ रही हो तो तालियां बजा करके मुझे सूचित कर दो, मैं दो चार पंक्तियां सुनाता हूँ आपको, सुनिएगा। धंधो नयो करण नहीं दे रहे, रुपया घरे धरन नहीं दे रहे, नोटबंदी। धंधो नयो करण नहीं दे रहे, रुपया घरे धरन नहीं दे रहे, शौचालय में पानी नहीं है और बाहर हमें करण नहीं दे रहे। तालियां थोड़ी सी कम आई आपकी। गैस सिलेंडर घर घर पहुंचे और चूल्हा घरे जरन नहीं दे रहे, और जियो की सिम हाथ हाथ में, जियो 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 की सिम हाथ हाथ में, और फिर हमें जियन नहीं दे रहे। जबरन जीवन बीमा कर दो, जबरन जबरदस्ती खाते खुलवाए दे, जबरन जीवन बीमा कर दो, अब ढंगते हमें मरण नहीं दे रहे। धंधो नयो करण नहीं दे रहे, ताली थोड़ी सी कम आई आपकी, थोड़ी सी कम आई। मैं एक कविता सुना करके अपना स्थान ग्रहण कर लेता हूँ, ज्यादा समय हो गया, लेकिन एक कविता सुना करके पता नहीं फिर कब आना होगा। तुम्हें ट्रेन नहीं पकड़ना है क्या? पकड़ी जाएगी क्या? तुम्हारी तो 5:50 है। आपने तमाम विषयों पर कविताएं पढ़ी होंगी, सुनी होंगी, तमाम रिश्तों पर लोगों ने कविताएं लिखी, बेटी पर कविता लिखी, पिता पर कविता लिखी, माँ पर कविता लिखी, लेकिन एक ऐसा रिश्ता भी है बहन जी जिस पर आज तक आपने कविता नहीं पढ़ी होगी। पढ़ी इसलिए नहीं होगी किसी ने लिखी नहीं, सुनी इसलिए नहीं होगी किसी ने लिखी नहीं, फूफा। मैंने फूफा पे कविता लिखी है, फूफा जानते ना? मैंने क्यों लिखी? तुलसी सूर कबीरा मीरा, एक दिन सपने में आए, छाती कूटी माथा फोड़ा, आंखन में आंसू ले आए। भक्ति भाव के हमने जाने कितने ग्रंथ बनाए, पर फूफा जी के ऊपर हम नहीं चार आंख लिख पाए, फूफा जी के ऊपर चार अक्षर नहीं लिख पाए, इतने बड़े कवि होकर मैंने कविता लिखी है। जब हम किसी विषय पर सर कविता लिखते हैं तो हमें उसका अध्ययन करना पड़ता है, तमाम अच्छे बड़े लोगों को सुनानी पड़ती है। तो मैंने तमाम बुजुर्गों से पूछा कि ये फूफा क्या बीमारी है, तो बुजुर्गों ने बताया कि पिता की बहन के पति को फूफा कहते हैं। मैंने कि इसका काम क्या है समाज में? शांति स्थापना बनाए रहना, बनाए रखना। इसलिए आपने देखा होगा शादी ब्याह में जितने भी झगड़े टंटे होते हैं वो दूल्हे का जीजा करवाता है, फूफा आकर के शांत कराता है, बेटा शादी हो जाने दे, तुझसे पहले इस घर के जीजा हम हुआ करते थे, आज फूफा हो गए हैं, कल तू भी फूफा हो जाएगा, शादी हो जाने दे। और शादी हो जाती है। मेरी ये कल्पना है कि सबसे पहले फूफा की आवश्यकता किसको रही होगी? चक्रवर्ती सम्राट अशोक को।
कलिंग युद्ध के बाद जब वो आत्महत्या की सोचने लगे थे तो बौद्ध धर्म से उनको बड़ा संबल मिला, जो उन्हीं के वंशज थे तथागत गौतम बुद्ध, हो सकता है उनके फूफा लगते हों। अब मैं एक ऐसी कविता सुनाना चाहता हूँ जिसमें तर्क देना चाहता हूँ कि जहाँ जहाँ फूफा होते हैं वहाँ शांति व्यवस्था बन जाती है, जहाँ फूफा नहीं होते हैं वहाँ सर्वनाश हो जाता है। मैं तर्क देता हूँ, हास्य की शुद्ध कविता है, अगर आपको समझ में आती जाए तो मुझे सूचित करना मेरा तर्क ठीक है कि नहीं ठीक है। फूफा के अभाव में कहाँ कहाँ सर्वनाश हुआ है, सुनना सर। झगड़ा कभी नहीं करवाते संत कराते फूफा जी, झगड़ा कभी नहीं करवाते संत कराते फूफा जी, तत्व जिंदगी का समझाते हमें हमारे फूफा जी। इतनी शांति से हास्य की कविताएं सुनी नहीं जाती। झगड़ा कभी नहीं करवाते संत कराते फूफा जी, तत्व जिंदगी का समझाते हमें हमारे फूफा जी। महाभारत का युद्ध न होता, महाभारत का युद्ध न होता, चीर हरण भी ना होता। महाभारत का युद्ध न होता, महाभारत का युद्ध न होता, चीर हरण भी ना होता, समय से पहले मरे न होते अगर कृष्ण के फूफा जी। कुंती सगी बुआ थी, पांडु के मरने के बाद धृतराष्ट्र राजा बने, महाभारत का युद्ध हुआ, ये देश आज तक उस घाटे को पूरा नहीं कर पाया, ये फूफा के अभाव में हुआ सर। झगड़ा कभी नहीं करवाते संत कराते फूफा जी, तत्व जिंदगी का समझाते हमें हमारे फूफा जी। महाभारत का युद्ध न होता, चीर हरण भी ना होता, समय से पहले मरे न होते अगर कृष्ण के फूफा जी। और दूसरे तर्क पर आपकी तालियां अपने आप उठेंगी। सीता हरण कभी नहीं होता, सीता हरण कभी नहीं होता, ना रावण यूं मारा जाता, सीता हरण कभी नहीं होता, ना रावण यूं मारा जाता, सुपड़खा के पत्यादि होते मेघनाथ के फूफा जी। सुपड़खा के पत्यादि होते, सुपड़खा के पत्यादि होते मेघनाथ के फूफा जी। और रंगों का त्योहार न मनता, रंगों का त्योहार न मनता, कभी होलिका ना जलती, रंगों का त्योहार न मनता, कभी होलिका ना जलती, हिरणाकुश के जीजा होते प्रहलाद भक्त के फूफा जी। हिरणाकुश के जीजा होते, हिरणाकुश के जीजा होते प्रहलाद भक्त के फूफा जी। ये तीन तर्क मैंने तीन युगों से निकाल करके आपको दिए हैं। वर्तमान की राजनीति के कुछ तर्क आपके सामने रखता हूं और हास्य का परसेंटेज बनाता हूं, बढ़ाता हूं। कांग्रेस की ऐसी हालत अपने देश में ना होती, कांग्रेस की ऐसी हालत अपने देश में ना होती, सोनिया के नंदोई होते राहुल गांधी के फूफा जी। तालियां कमाई सर आपकी, है ना। सोनिया के नंदोई होते राहुल गांधी के फूफा जी। और 2019 की बातें, 2019 की बातें बिल्कुल बेईमानी लगती। लोकसभा का जो परिणाम आया वो ऐसा लगता कि ये बेईमानी सी हो रही है, लेकिन मेरी बात सुनना और तर्क आपको ठीक लगे तो ठाके के साथ मुझे सूचित करना। 2019 की बातें बिल्कुल बेईमानी लगती, मायावती के पतियादि होते यादव अखिलेश के फूफा जी। मायावती के पतियादि होते यादव अखिलेश के फूफा जी। और इस अगली पंक्ति पर आप अपने ठाके को रोक करके दिखाना, अगर व्यंग समझ में आ जाए तो मुझे सूचित करना। आज हम खाकी बुरी फजीयत योगी राज में ना होती, आज हम खाकी बुरी फजीयत, आज हम खाकी बुरी फजीयत, सर हाथों को खोल के तैयार रखना, आज हम खाकी बुरी फजीयत योगी राज में ना होती, हाथ जोड़कर अमित शाह को यदि वो कहता फूफा जी। हाथ जोड़कर अमित शाह को यदि वो कहता फूफा जी। और अगली पंक्ति आपके आपकी भलाई के लिए, आपके भलाई के लिए कहना चाहता हूं कि बुलडोजर से अपनी रक्षा जिसको जिसको करनी है, बुलडोजर से, बुलडोजर से अपनी रक्षा जिसको जिसको करनी है। अगर बात ठीक हो तो फिर सर ताली बजाना। बुलडोजर से अपनी रक्षा जिसको जिसको करनी है, प्रेम पूर्वक योगी जी को कहते रहना फूफा जी। प्रेम पूर्वक योगी जी को कहते रहना फूफा जी। और ये बहनें बैठी हुई हैं इसलिए एक छंद इनके लिए भी कहना चाहता हूँ, क्योंकि हमारे देश में तमाम आसाराम और राम रहीमों पर उंगली उठाई जाती रही है, लेकिन मैं सर एक हिदायत देना चाहता हूँ कि उन महिलाओं की इज्जत, ये दो साधु हमारे देश के, हमारी हमारा देश जो है ऋषि मुनियों की संस्कृति का देश है,
इस देश में कैसे कैसे लोग हुए हैं। आसाराम और राम रहीम मानक नहीं हो सकते, मेरा कहने का मतलब ये है, क्योंकि इस देश में गौतम, जाबाल, व्यास, वामदेव, वाल्मीकि, कपिल, कड़ाद से महान ब्रह्म ज्ञानी थे, अर्जुन से वीर, अमरीश के समान ऋषि, हरिश्चंद, करण से महान यहाँ दानी थे, नारद से संत, सती, सीता, अनसुईया सम, सत्य सदाचार यहाँ एक एक प्राणी थे। ऐसा था इस भारत के भाग्य का अतीत काल, सोय सही उनका देवलोक की कहानी थे। ये देवलोक के तुल्य भारत था, लेकिन तब मैं ये पंक्तियां कहना चाहता हूं कि उन महिलाओं की इज्जत हर एक घड़ी खतरे में है, उन महिलाओं की इज्जत हर एक घड़ी खतरे में है जो आश्रम और गुफा वालों को समझ रही हैं। फूफा जी जो आश्रम और गुफा वालों को समझ रही हैं फूफा जी, और 2019 में हमने माननीय मोदी जी को प्रधानमंत्री क्यों चुना पता है आपको? उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया कि मैं तो फकीर हूँ, झोली डाल के चल लूंगा। तो मैंने दो पंक्तियां कही कि मोदी तो मन से फकीर हैं, झोली डाली चलना दें, मोदी तो मन से फकीर हैं, झोली डाली चलना दें, इसीलिए दूसरी मर्तबा हमने चुन लिया फूफा जी, इसीलिए दूसरी मर्तबा हमने चुन लिया फूफा जी। और 2024 में भी हम क्यों उन्हें चुनने वाले हैं? उन्होंने एक स्टेटमेंट और दिया कि हर खाते में 15-15 लाख आएंगे, और हमारे खाते में अब तक आई नहीं है, और जब तक आ नहीं जाएंगे तो हम उनका पीछा छोड़ने वाले नहीं हैं। तो मोदी जी से नम्र निवेदन, 15 लाख जल्द भिजवाओ, वरना 2024 में तुमको फिर चुन लेंगे फूफा जी, 2024 में तुमको फिर चुन लेंगे फूफा जी। और ये कविता मेरी अच्छी है, अगर ये कविता मेरी अच्छी है तो छोटो सो एक निवेदन है, दोनों हाथ उठाए के अपने ताली ठोंको फूफा जी, दोनों हाथ उठाए के अपने ताली ठोंको फूफा जी। बहुत बहुत धन्यवाद। और आप